So I was going for my gymnastics class. और मैं जिम्नास्टिक अपनी खिड़ा करने लिए जा रहा सीखा। And then I was on my cycle. और मैं अपनी साइकिल चला रहा सीखा। And then I thought the road was empty. और मैंने लगा कि जरा सारा रोड अब बिल्कुल खाली हो चुका है। But I did not look left or I did not look right. और मैं ना इधर देखा ना उधर देखा। And then I went to cross the road and it was a yellow light. ते मैं रोड में खाली समझ के रोड क्रॉस करने की कोशिश की थी। And then the guy in the tempo, he did not see me there because he was 85 years old. ते एक बुड्ढा इंसान जरी उम्र करो करते 85 साल से की वो अपनी कार ते आ रहा सी उन्हें मैं देखा नहीं तो बहुत तेज आ रहा सी। And then he hit me. ते उन्हें आके सीधी मेरे चार के सीधी टक्कर मार दी। And then at that moment when I woke up in the hospital, I didn't know what was going on. ते जिदो टक्कर वजी मेनू अगली होश उदो आई जदों मैं हॉस्पिटल में सीगा मेनू पता नहीं लगा की हो चुका है। And then my mom came in and my dad came in and all of my family came in to see me. ते मेरे माता-पिता ते मेरा पूरा परिवार मेनू हॉस्पिटल देखने आया सी। And thanks for the grace of God, I remembered everybody, I remembered everything, I remembered my village, I remember. ते मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि मेरे दिमाग सड़ लगने के कारण मैंने फिर भी सब कुछ याद से मैंने अपने माता पिता का मैंने अपने परिवार का मैंने हर एक याददाश्त का मैंने सब कुछ चेता से। And then at that moment, my dad made a promise to Christ that I will come to India and I will give this testimony. ते मेरे पिताजी उन्होंने एक खुदा ना प्रॉमिस किया कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इंडिया जरूर भेजूंगा ताकि चर्च में जाके गवाही दे। Giving me such an amazing family, and I would just like to say thank you to everybody who prayed for me. ते मैं परमेश्वर धन्यवाद करता कि उन्होंने मेनू इतना बढ़िया एक परिवार दिता ते मेनू एक नवी लाइफ दी। मैं परमेश्वर हर एक बंदे वास्ते जिन्होंने उस लई प्रार्थना कीती है मैं उहदे नाल धन्यवाद करता। थैंक यू हालेलुया।